इतने महीनों बाद हमारी पूरी फैमिली एक छोटी सी हॉलिडे के लिए जा रही है। मैं तो हॉलिडे ही बोलूंगी, मैं इसे वो क्या बोलते हैं वीकेंड गेटवे जो भी बोलते हैं मैं वो नहीं बोलूंगी, बिकॉज इट इज रियली 3 nights 4 days के लिए हम लोग जा रहे हैं एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बस आज का व्लॉग यही होने वाला है कि इस छोटी सी हॉलिडे के लिए मैंने तैयारी कैसे की। सो चलिए सबसे पहले बिगिन करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो जाके हमने शॉपिंग करनी है, कडल जनाब का खाना खरीदना है। तो सबसे अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं हमारे कडल का खाना लेने के लिए। वो बेसिकली हाइपो एलर्जिक फूड खाता है, क्योंकि पहले हम उसे जब वो छोटा था तो उसे रोटी और दूध दिया करते थे, फिर हमने उसे चावल और चिकन देना शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ही इज ग्लूटेन एलर्जिक। तो उसके लिए जो स्पेशल टाइप का खाना है जो डॉग फूड आता है उसमें भी नॉर्मल डॉग फूड नहीं, हाइपो एलर्जिक डॉग फूड, उसे हमें वही देना पड़ता है। तो अब हम वो लेने जा रहे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं जाके जल्दी से कडल का खाना लेके आती हूँ। आई होप इट्स अवेलेबल, सो सी यू। ओके, तो कडल का खाना मिल गया, कडल का खाना मिल गया है एंड अभी मैंने छोटा पैकेट लिया है और बड़ा पैकेट जो है वो मैं वापस आने के बाद लूंगी, मैं बुक करके आ गई। सो अभी हम चलते हैं हम लोगों के लिए खाना पीना लेने के लिए, क्योंकि जब भी आप छुट्टी पे जाओ सो सबसे ज्यादा आपको कुछ मंचिंग लगता है और हम हमेशा घर से बना के लेके जाते हैं, जैसे पोहे का चिवड़ा हो गया एंड बच्चों के लिए चिप्स के पैकेट तो खरीद लिए एंड ऑल, तो वही सब हमें लेने के लिए चलना है। सो चलिए। ओके, सो मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने अपना मुंह हाथ धो के चेंज भी कर लिया है और मैंने माइक भी लगा लिया है। बाहर घूमते घूमते माइक नहीं पहन सकती ना, मतलब वो अजीब लगेगा। एनीवेज, ओके, सो अब मैं अपना फेस वॉश करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। सो सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी इससे। ओके, सो ये है एलोवेरा रेंज वाउ स्किन साइंस का हाइड्रेटिंग फेस वॉश। सबसे पहले मैं अपना फेस जो है गीला कर लेती हूँ। सो इसका यूजेज बहुत बहुत मजेदार है, बिकॉज ऑफ ये जो सिलिकॉन का ब्रश है इसके ऊपर, ये आपके फेस पे एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग इफेक्ट देता है जिससे आपकी स्किन थोड़ी और क्लियर एंड सॉफ्ट लगती है। सो इसको जस्ट हमें सबसे पहले इसे हमें अनलॉक करना है और उसके बाद इसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो ये फेस वॉश बाहर आ जाता है। बस उसके बाद आपको इस तरह से अपने फेस पे मसाज करना है, तो जितना आपको चाहिए उतना आप फेस वॉश निकाल के अपने चेहरे पे लगा लो एंड बाकी जस्ट। वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, पैराबिन एंड हार्मफुल केमिकल फ्री है एंड इन सब में एक QR कोड है जिसे आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपको प्रोडक्ट्स की ओरिजिनलिटी के बारे में पता चल जाएगा। मैंने अच्छे से करीबन 1.5 मिनट के लिए अपने फेस को स्क्रब कर लिया, मैं इसे वॉश कर रहा हूँ। ये फेस इतना फ्रेश लग रहा है। अब मैं लगाऊंगी इसका लिफ्ट एंड फर्म एलोवेरा जेल। सो ये इसके भी डबल रोलर एक्शन है, ये देखिए आप दो रोल्स इसके देख सकते हैं, तो इसमें भी हमें सेम करना है, इसे स्क्वीज करना है और उसके बाद अपने फेस पे लगा के दैट्स इट। और अब आपको ये मसाजर से अच्छे से अपने स्किन में, अब मैं जेल और नहीं निकाल रही हूं,
हाँ, ये मेरे घर के बगल वाले घर में अब ड्रिलिंग का काम चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिएगा, यू नो, जैसे हम वो रोलर मसाजेस से इसको आप जितना बर्दाश्त कर सके उतना उसको प्रेशर देके जस्ट मसाज करते रहिए, जब तक ये पूरा जो है सोक ना हो जाए। और एलोवेरा वैसे भी स्किन के लिए इतना अच्छा होता है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, तो आपकी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और अगर लगाने का तरीका अगर इतना अच्छा दिया हो तो बेनिफिट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जो एलोवेरा जेल पूरी तरह से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है, मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड अब मैं ऊपर से लगाऊंगी ये स्प्रे, ये एक्चुअली यूवी वाटर है। ओके, आई नो आप सब बोलेंगे कि अब तो मैं बाहर से वापस आई हूँ, मैं सन में तो जाने नहीं वाली, तो मैं यूवी वाटर क्यों यूज़ करूँ? लेकिन तब भी हमें एक सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए फेस पे, घर के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि यूवी रेज अंदर भी होती हैं। एंड इस वाटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ना सिर्फ आपके स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि इट इज़ अ हाइड्रेटिंग वाटर ऑल्सो। सो ये तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। यू नो, मानसून्स में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ज़रूरत होती है। क्लाइमेट ह्यूमिड होता है तो बहुत ज़रूरत होती है। सो बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ अ वाटर बेस्ड यूवी स्प्रे। वाओ, मतलब बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो आप में से जिनकी ऑयली स्किन है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो SPF 30 के साथ है, इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड रास्बेरी एक्सट्रैक्ट तीनों है, सो इट एड्स ऑन टू द बेनिफिट्स। सो इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, आप इस तरह से अपना फेस क्लीन कर लीजिए। मैं इसे एलोवेरा जेल के बाद लगाना प्रेफर करती हूँ, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। तो इसे अच्छे से शेक करेंगे हम, डोंट फॉरगेट टू शेक बिफोर यू अप्लाई, बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको हम थोड़ा सा, दैट्स इट, और इसके बाद आप इसे इसी तरह से छोड़ दो, डैप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको बहुत फ्रेश फील होता है। सो ये हो गया है और अब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। अब हम चलते हैं किचन में, बहुत दिनों बाद मेरे साथ किचन में चलिए, और आज कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, बस मैं तैयारी किस तरह से कर रही हूँ वो बताऊंगी, और फिर लास्ट में हम करेंगे हमारे खाने पीने की पैकिंग। ओके, सो वेलकम टू माय किचन आफ्टर सो मेनी डेज। ये सारा सामान है जो मुझे कल की कुकिंग के लिए लगने वाला है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, मैं अभी लेके आई हूँ, आपने देखा सुपरमार्केट हम गए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं पोहे का चिवड़ा बनाऊंगी और मैं बनाना मफिन्स बनाऊंगी और बस बाकी सब बाद में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पोहे का चिवड़ा स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। एंड यार फेरिए, मतलब जब मैं बात करती हूँ तभी इनकी ड्रिलिंग होनी होती है। ओके, बंद हो गया। हाँ, सो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन। छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने छोटी सी परात निकाली थी पर मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे इतना सारा बनाना है। सो अब मैं ऊपर से बड़ा वाला भगोना निकालूंगी और उसमें डालूंगी और फिर फाइनल मिक्सिंग में उसमें करूंगी। सो शोएब आओ ना, एक मिनट लेटे हो। अच्छा नहीं, फिलहाल मैं इसका काम नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। अच्छा उठ गए, उठ गए तो वो ऊपर से पतीला निकाल दो बड़ा वाला। क्या सिर्फ हाथ दिखा रहे हो, शक्ल भी दिखाओ। हाँ
सो ये मैं जो ड्राई कोकोनट है उसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ ताकि मैं उसको फ्राई करूँ। पीनट्स ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं मेरे चिवड़े में डालने के लिए। एंड ये फाइनली मैं सब कुछ एक साथ मिक्स कर रही हूँ। तो काफी वक्त हो चुका है, लगभग साढ़े, मम्मी साढ़े आठ हो गए, नौ हो गए, कितने बज गए? साढ़े नौ बज गए। बापरे बहुत वक्त हो गया है, लेकिन काफी काम भी हो गया है। मेरा पोहे का जो चिवड़ा था वो पूरा रेडी हो गया, मैंने उसको पैक भी कर दिया डब्बों में, आपने देखा होगा। और मेरा एक बैच ऑफ बनाना वॉलनट मफिन्स बन चुका है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपको बनाना वॉलनट मफिन्स जो मैं आज बना रही हूँ इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख के आराम से बना सकते हैं। अब मैं दूसरा बैच भर रही हूँ और ये बेक करने रखूँगी, तब मैं साइमल्टेनियसली ठेपले का आटा प्रिपेयर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये आटे में मैंने सारे स्पाइसेस मिक्स करके रख दी है और ये मेथी धुल के मम्मी ने काट के रख दी है, तो बस इसको मिक्स करना है और फिर मजेदार ठेपले बनाने हैं। मतलब छुट्टियों में इंसान खाने का मजा ना ले तो क्या हो, है ना, इसीलिए ये तो बनता है, हम तो वैसे ही खाने के इतने शौकीन हैं। सारे कपकेक्स बन चुके हैं, 14-14 के तीन बैचेस बने हैं और जो पोहे का चिवड़ा मैंने बनाया था वो मैंने पैक करके रख दिया है। अब मैं रात के 10:30 बजे मैं चाय ब्रेक ले रही हूँ, ये देखिए मैं चाय और टोस्ट खा रही हूँ। इसके बाद मैं आई थिंक पहले ठेपले बना लूंगी और फिर फाइनली सब कुछ पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, सो बहुत लेट हो चुका है, 12 बज के जा चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें बची हैं। मैंने कर्ल की पैकिंग कर ली है, मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली है, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, सब कुछ पैक हो गया है। अब ये जो है, ये जो रूम में चिटर पिटर खाने की चीज़ें हैं वो मैं लेके आई हूँ और मैं हमेशा लेके आती हूँ, बिकॉज जब बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप सब लोग एक हॉलिडे मूड में ट्रैवल कर रहे होते हो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ कैरी करना हमेशा अच्छा होता है। तो मैंने लेज लिए हुए हैं अलग अलग, फिर मैंने ये चॉकलेट के पैकेट्स लिए हैं ये अलग अलग, तो ये सब मैं कार में रखने वाली हूँ एंड जब जिसको जैसे मन करे रूम में हम लोग खा सकते हैं। बिकॉज यू नो, अगर हम फैमिली हॉलीडेज प्लान करते हैं हर किसी का एक बजट कंस्ट्रेंट होता है एंड आई थिंक दिस ऑल दिस हम इसी तरह से अपना जो जो एक्सपेंडिचर है वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक मिनी बार से अगर आप कुछ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ से कैरी करके जाएं और वही चीज़ आप खाएं तो यू कैन एंजॉय एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो व्हाई नॉट, है ना। सो चलो अभी मैं इसको अलग अलग करके दो पैकेट्स बनाने वाली हूँ जो मैं अलग अलग रूम्स में जाके डाल दूंगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फिलहाल मैं ये फाइनल पैकिंग करूंगी एंड देन आई विल बी डन। सो फाइनली मैंने ये बैग में अपने सारे चिप्स वगैरह चॉकलेट्स सब भर लिया है, इसमें डिस्पोजेबल्स भर गए हैं, मेरे केक रेडी है, सो या आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया है। ओके, सो रात के 12:45 बज रहे हैं, मैंने अभी खाना खाया है और ये देखिए ये जनाब अभी कुछ चार्जिंग वार्जिंग कर रहे हैं और अब ये अपनी पैकिंग शुरू करेंगे। मेरी पूरी पैकिंग ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए ये मेरे बैग्स, ये किधर आई दिख ही नहीं रहा, हाँ ये मेरे बैग्स, वो कडल का बैग और खाना और डिस्पोजेबल्स सब कुछ रेडी है। और ये देखिए मैंने जो केक बनाए हैं, ये वो केक मैंने इस डब्बे में भर के रख दिए हैं और ये सारा पोहे का चिवड़ा है, ये लड्डू है और ये मैंने मेहंदी भिगो के रखी है, ये मैं
कोन बना के लेके जाने वाली हूँ और वहां पे मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, अम्मी को भी लगाऊंगी, मम्मी को भी लगाऊंगी और जिस जिसको लगवानी होगी सबको लगाऊंगी क्योंकि वहां तो सिर्फ मस्ती करनी है। सो अब मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं कल के लिए जो ब्रेकफास्ट कैरी करना है अब मैं वो बनाऊंगी। तो मैं थेपला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और या बस दैट्स इट। सो अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म थेपले जो हम कैरी कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं इडलीज बनाऊंगी हमारे ब्रेकफास्ट के लिए कल रास्ते में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कहीं रुक के बाहर का कुछ खाएं। तो और भलचाहे रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है लेकिन जब आप ऐसी फैमिली पिकनिक के लिए निकलते हो स्पेशली हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि घर से नाश्ता बना के लेके जाएं और रुक के कहीं गाड़ी में बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खाएं। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, तो इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती हूँ और दैट्स अबाउट इट गाइज। तो मुझे लगता है मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये ऑलरेडी कितना लंबा हो चुका है और डेफिनेटली हमारी छुट्टी की तो अभी शुरुआत हुई है तो आप आगे और चीजें देखेंगे, हम लोग वहां जाके कितनी मस्ती करने वाले हैं वो आप हम तीनों के चैनल पे देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए एंड स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय। वैसे मुझे अभी बहुत काम है, मैं आपको बाय बाय बोल रही हूँ लेकिन मैं तो अभी जगने वाली हूँ।